नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, तो रेलवे के बार बार पूछे जाने वाले 15 प्रश्न जो रीजनिंग के बार बार पूछे जाते हैं, इन 15 प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे। परीक्षा से पहले एक बार इस प्रश्नों को आप जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक गडरिया के पास में 17 भेड़ है, कितनी भेड़ है? 17 भेड़ है और सभी लेकिन 9 मर गई। देखिए सभी तो कुल कितनी है? 17 भेड़ हैं, लेकिन 17 भेड़ों में से दोस्तों कितनी मर गई? 9 भेड़ें मर गई, तो मैं माइनस 9 करूँगा। उसके पास में कुल जीवित भेड़ों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 8 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, बतकों की न्यूनतम संख्या क्या है? दोस्तों बतकों की जो न्यूनतम संख्या क्या है, यदि वे इस प्रकार से तैरती है, क्या एक बतक के पीछे दो बतक? दोस्तों एक बतक है, इस दो बतक के पीछे दो बतक। अब देखिए, अब और दो बतक के पीछे दो बतक, तो दो बतक के पीछे दो बतक, एक बतक और दूसरे बतक के बीच, एक बतक और दूसरे बतक के बीच में एक बतक, तो दोस्तों यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि प्रश्न जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे प्रश्न आपको पढ़ना है, तो इसकी जो न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कुल कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगला देखिए, मोहिनी ने 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह देख कर कल बृहस्पतिवार को जाती है, तो दोस्तों 9 है और बृहस्पतिवार को आज का सप्ताह, बृहस्पतिवार यानी 7 दिन, कितने दिन? 7 दिन, पहले 9 दिन पहले, तो माइनस 7 करूँगा तो पीछे कितने बचेंगे? 2, तो 7 दिन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर भी बृहस्पतिवार होगा। उसके बाद देखिए, जो 2 दिन प्लस कर लीजिए बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार, शुक्र के बाद में शनिवार, तो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर क्या है? शनिवार। क्या है? शनिवार आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? शनिवार। समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आकृति में राजनीतिक कवि और महिला, तो दोस्तों सबसे पहले ये आपका क्या है? राजनीतिक। क्या है? राजनीतिक। अब राजनीति के पास में राजनीतिक, महिला भी राजनीतिक कर सकती है, महिला भी कर सकती है, और जो अब देखिए, अब दोस्तों क्या कविता महिला नहीं हो सकती है? हो सकती है क्या? तो इसका जो राइट, ये जो ये कॉलम देखिए यहां पर, ये तो हो गया आपका कवि, ये आपकी महिला और ये आपकी राजनीतिक, तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, इन प्रश्नों के ऊपर कुछ विचार करना है, यदि बताइए कि आकृति भिन्न कौन सी है, तो दोस्तों इसमें आकृति में देखिए, सबसे पहले ये बीच वाला चल रहा है, इसी के अंदर ये बीच, लेकिन ये भी बीचों बीच के अंदर, लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें बीचों बीच नहीं है, इसमें क्या आ रहा है? इसमें यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, बीचों बीच की बात करें तो यहाँ बीचों बीच में क्या आ रहा है? बीचों बीच नहीं आ रहा, एक साइड कॉर्नर के अंदर आते हैं, जिसे हम विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका 3 है, वो आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 5 पुस्तकों का ढेर है, पहले नहीं लिखना है कि कौन सी पुस्तक क्या है, लेकिन प्रश्न को हम एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे, वैसे वैसे प्रश्न हम करने वाले हैं। देखिए कैसे, ई के ऊपर, ई ई देखिए, ई ए के ऊपर, तो ए के ऊपर कौन है? ई। अब देखिए, और बी के नीचे, बी बी के नीचे, बी के नीचे कौन है? सी। बी के नीचे कौन है? सी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है? ए है बी के ऊपर, ए है किसके ऊपर है? तो दोस्तों ए देखिए, ये किसके ऊपर है? ए के ऊपर है, तथा सी के नीचे कौन है? डी। सी के नीचे कौन है? डी। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा क्या, सबसे नीचे वाला स्थान कौन सा? सबसे नीचे वाला स्थान कौन सा है? डी आपका राइट आंसर है। सबसे वाला नीचे वाला स्थान कौन सा है?
डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। देखिए सातवां प्रश्न, और इस प्रकार से प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सामने दे रखा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, और इसमें यह पूछा गया है कि जो विकल्प उत्तर में से नहीं बनता है, उत्तर में से नहीं बनता है। अब इस प्रश्न में देखेंगे कैसे कौन सा नहीं बनता है। देखिए सबसे पहले इन प्रश्नों को मिलान कर लीजिए, देख लीजिए इसमें, देखिए देखिए सी आई ओ एम बिल्कुल है, पी आर आई एस आई ये भी सही है। अब देखेंगे पी ई एन, तो पी ई एन और यहाँ पर एस आई ओ एन है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखिए आई ओ एन आई ओ एन। अब इसमें क्या है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया। कैसे, क्योंकि इसके अंदर ए है। क्या है, इसके अंदर ए है। क्लियर, समझ में आ रहा है, इसके अंदर क्या है, ए है। लेकिन बाकी सभी इसमें ए नहीं है, इसमें ए है ही नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन रहे कि अगला जो आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे विपरीत है कि बन सकता है। क्या है, बन सकता है, विकल्प बन सकता है, कौन सा बन सकता है। देखिए सबसे एम यू टी यू, देखिए इसमें टी यू दो बार है तो ये तो बनेगा नहीं। अब इसमें देखिए एल आई, देखिए एल और आई, उसके बाद एम आई, देखिए एल और आई, उसके बाद एम और आई, टी ए टी ए, तो यहाँ पर आप टी ए देखेंगे, और टी आई वन, टी आई वन, तो टी यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर टी आई वन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। क्या है, बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट आंसर। क्लियर, राइट आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए एक बगीचे में 10 पेड़ एक लाइन के अंदर है, जो 10 पेड़ हैं वो एक ही लाइन के अंदर है। तो देख लीजिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो 10 पेड़ है, क्या है, 10 पेड़ एक ही लाइन के अंदर है, एक दूसरे में 10 मीटर है और दूसरे पर स्थित, और दोस्तों दोनों किनारों पर एक एक पेड़, ये जो एक एक पेड़ है, ये जो एक एक पेड़ है, इन पेड़ों को क्या कर दिया गया, काटा गया, तो ये काटा गया, तो बचे पेड़ों के बीच में संख्या क्या होगी, बचे हुए पेड़ों के बीच में संख्या क्या होगी। देखिए इनके बीच में क्या है, 10, इनके बीच भी कितनी 10, इनके बीच में कितनी, इनके बीच में 10, इनके बीच में भी 10, 10, 10, 10, 10। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न आपको समझना है, इनमें ये तो कट गया, ये भी कट गया, अब पीछे क्या बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना बचा, 7। तो इसका राइट आंसर क्या, 7, क्योंकि ये दोनों, ये पेड़ कट गया तो ये 10 चली गई, ये पेड़ कट गया तो ये 10 चली गई, तो पीछे कितने बचे, 7 बचे, क्योंकि कितने बचे, 7 आपका राइट आंसर, 70 यानी बोले तो 70, क्या है, 70 आपका राइट आंसर है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं पीडीएफ बिल्कुल आपको हमारी टीम के द्वारा पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, सुरेश की बहन, दोस्तों ये मैं लिख लेता हूं, सुरेश की बहन राम की पत्नी, तो यहां पर आ जाएगा आपका राम, यस, राम की पत्नी पूछी तो राम की पत्नी, राम रानी का भाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रानी, क्या हो जाएगा, रानी, क्या हो जाएगा, रानी, तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर बोले तो रानी। राम के पिता मधुर है, तो राम है ये, राम, राम के जो पिता का नाम मधुर है, शीला राम की दादी, तो इसकी माँ, यानी राम के पिता कौन है, मधु, मधु के पिता की माँ कौन हो गई, इसकी दादी हो गई, तो राम की दादी होगी, बिल्कुल ये राम की जो दादी हो गई। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, रीमा शीला की पुत्र वधु है, तो दोस्तों राम की दादी शीला कौन है, ये राम की दादी है, इसकी जो पुत्र वधु कौन है,
रीमा, कौन है रीमा, कौन है रीमा, पुत्र वधु है रोहित। देखिए रानी का भाई, देखिए रानी, ये रानी, रानी का भाई का पुत्र, राम का पुत्र है, कौन है रोहित, कौन है पुत्र, कौन है रोहित, कौन है पुत्र रोहित। अब देखेंगे रोहित और सुरेश, तो दोस्तों ये सुरेश और रोहित का संबंध क्या है, भांजा, क्या है भांजा, क्योंकि राम है, राम की ये पत्नी, और ये दोनों क्या है भाई बहन, क्या है भाई बहन, आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है भांजा, क्या है भांजा, आपका राइट आंसर क्या है भांजा। अगला देख लीजिए, देखिए क्वेश्चंस जैसे जैसे पढ़ता है वैसे वैसे प्रश्न आप करते हैं, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके हो जाते सॉल्यूशन, वरना नहीं होता। देखिए क्या पूछा है कि बी से दुगुना, बी से दुगुना, तो ए बी से दुगुना, तो बी से दुगुना, यस ऊपर लिख लीजिए, बीच में जगह छोड़ दीजिए। अब आगे क्या कहता है, परंतु एफ से छोटा, परंतु एफ से छोटा, परंतु परंतु एफ से छोटा, देखिए परंतु एफ की अपेक्षा से दुगुना छोटा, तो यहाँ दो आधा छोटा हो गया, दुगुना छोटा हो गया, ये अगर चार का है तो ये दो का हो गया। अब देखिए सी की आयु ए से आधी, ए से आधी, ए से आधी, ए से आधी, जैसे मैं यहाँ चार मानता हूँ तो यहाँ किसकी हो जाएगी, दो हो जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, यस सी हो जाएगा एक, परंतु डी से दुगुनी, तो दोस्तों डी यहाँ आ जाएगा, डी से दुगुनी, तो दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला ए, दूसरा कौन है बी खुद, क्या है बी खुद। अगला क्वेश्चन देखिए, साक्षात यानी इंटरव्यू के बारे में पूछा गया है, एक इंटरव्यू के बारे में पूछा गया है कि ऊपर से 36वां स्थान, तो ऊपर से 36वां स्थान तथा नीचे से 15वां स्थान है। दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका एक तो 36वां स्थान होता है, एक और से 15वां स्थान होता है, तो इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास में कुल कितने हो गए 51, और माइनस में एक करूँगा। अब बोलेंगे कि सर आप माइनस एक क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार 15 हो रहा है, एक बार 36 हो रहा है, तो माइनस एक करूँगा तो मेरे पास में कुल कितने आ जाएंगे आपके 50। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है 50, आपका राइट आंसर क्या है 15 राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, अब इसमें क्या होगा, 11 का स्कोर, 9 का स्कोर, 7 का और 13 का, तो इसका जो राइट आंसर 13 कौन, अब देखेंगे 13, 13 का स्कोर किसका है, इसका, देखिए इसको का इसका स्कोर कितना होगा 9, इन दोनों को गुणा, 3 दूनी 6, 6 का डबल, देखिए 3 3 और वापस देखिए 1 × 1 3, 3 का डबल 6, एक का स्कोर। चलिए देख लीजिए आखिरी प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि एक वेनारिक बना हुआ है, वह युवक जो नौकरी करता है पर शिक्षक नहीं, जैसे मैं क्या बता रहा हूं, नौकरी करता लेकिन शिक्षा नहीं, तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो देखिए। अगर मैं कह देता हूं कि इसका राइट आंसर 4 है, मैं कह देता हूँ इसका राइट आंसर 2 है, मैं इस कह देता हूँ राइट आंसर 6 है, लेकिन फिक्स नहीं है, यह वाली कंडीशन लगेगी और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो वीडियो कैसे लगा, मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।